वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग अकेडमी में। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाई, ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण इनमें से किस जीव के कारण होता है? जल्दी से आंसर दें, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर किस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पे, प्रोटोजोआ। जो ट्राइकोमोनल यौन संक्रमण होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है। एग्जांपल देख लें इसका। ट्राइकोमोनियस या ट्राइकोमोनिसिस एक साधारण यौन जनित रोग है जो प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। ट्राइकोमोनियासिस एक साधारण और यौन जनित रोग है जो कि प्रोटोजोआ की वजह से फैलता है। इस रोग के लिए मुख्य रूप से ट्राइकोमोनस वेजिनलिस नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है, दो नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका? द फुल फॉर्म इज एब्रिविएशन ICDS इज, ICDS का पूर्ण रूप क्या है या पूरा नाम क्या है? जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जल्दी से आंसर दें। पहला ऑप्शन है इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन बी है इंटरनल कमेटी ऑफ डेवलपमेंट स्कीम। ऑप्शन सी इंटरनेशनल चिल्ड्रेन डेवलपमेंट स्कीम। या फिर ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। राइट आंसर किस करें? तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। एग्जांपल देख लें इसका। ICDS का पूरा नाम है या पूरा मतलब है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, समेकित बाल विकास सेवाएँ। हिंदी में इसका मतलब होता है समेकित बाल विकास सेवाएँ। यह 6 वर्ष तक के बच्चों को खाना शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाता है। इसका संचालन प्रायः आंगनवाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है, तीन नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं, क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर दें। वन ऑफ द कंडीशंस कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से इनमें से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए बेरी बेरी तो होगा नहीं, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। और जो आपका स्कर्वी है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बिटॉट स्पॉट। ऑप्शन बी राइट होगा, बिटॉट स्पॉट विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अब यहाँ पे देख लें एग्जांपल, विटामिन ए की कमी से होने वाला या आँखों में होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला जो संक्रमण है होने के कारण, जो विटामिन ए है उसकी कमी होने के कारण आँखों के स्कैल्प अर्थात सफ़ेद भाग में, जो आपका सफ़ेद वाला भाग होता है इसके अंदर पाए जाने वाले कंजक्टिवा के ऊपर त्रिकोण या बिना आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को बिटॉट स्पॉट कहते हैं। विटामिन ए की कमी होने के कारण आँखों के जो स्कैल्प होते हैं अर्थात सफ़ेद भाग है उसके अंदर पाए जाने वाले जो कंजक्टिवा है उसके ऊपर त्रिकोण या फिर बिना आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। इन धब्बों को बिटॉट स्पॉट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चार नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। हु ORS पॉकेट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, राइट आंसर गेस करें, क्या होगा? WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज विद्यमान रहते हैं? जल्दी से आंसर दें। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर बाकी सभी तत्व विद्यमान रहते हैं। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तीनों तत्व पाए जाते हैं ORS में। ये किसके अनुसार? WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। जो ORS पैकेट होती है उसमें सोडियम
क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट विद्यमान रहते हैं, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लें इसका, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन, इसका जो पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन, के घोल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। स्ट्रेटजीज ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, राइट आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है, स्ट्रेटजीज ऑफ रूरल हेल्थ मिशन विल हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ, राइट आंसर बताएं इसका जल्दी से, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। देखिए, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की रणनीति तैयार होने से किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए, पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि होगी, जो आपका ये पहला है, इनहेंस कैपेसिटी ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन बी है यहाँ पे, रिड्यूस MMR का जो पूरा मतलब होता है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर में कमी होगी, और ऑप्शन सी है आपके, स्ट्रेंथन सब सेंटर, उप केंद्र सशक्त होंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, ऑल ऑफ दी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी राइट है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो रणनीति तैयार होगी उसे किस क्षेत्र में मदद मिल सकती है, तो ये सभी क्षेत्रों में मदद मिल सकती है। एग्जाम्पल देख लें यहाँ पे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM का पूरा नाम है ये, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, भारत भर में या संपूर्ण भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम है। यह योजना 12 अप्रैल 2005 को शुरू की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं, उद्देश्य देख लें इसके, नंबर एक है शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, नंबर दो है प्रत्येक नागरिक को लोक स्वास्थ्य सेवाओं तक सुलभ कराना, नंबर तीन है संचारी व असंचारी रोगों की रोकथाम व नियंत्रण, और नंबर चार है जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ लिंग व जनसांख्यिकी संतुलन सुनिश्चित करना। इस मिशन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना और प्राधिकृत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं अर्थात आशा जो होती हैं कार्य करती हैं उनके माध्यम से उच्चीकृत स्वास्थ्य व देखभाल तक पहुंच को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द आर्टरी विच अप्लाई ब्लड टू हेड एंड नेक इज, वह धमनी जो सिर तथा गले में रक्त की आपूर्ति करती है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से ऑप्शन आंसर बताएं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, कैरोटिड आर्टरी, ऑप्शन बी राइट है, कैरोटिड धमनी। एग्जांपल देख ले इसका, कैरोटिड धमनी अर्थात कैरोटिड आर्टरी सिर व गर्दन को रुधिर की आपूर्ति करती है, जो कैरोटिड धमनी होती है वो सिर तथा गर्दन को ब्लड सप्लाई करती है। धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के सभी विभिन्न अंगों तक और एवं ऊतकों तक पहुंचाती हैं। धमनियां सामान्यतः शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं, जबकि जो फुफ्फुस शिराएं होती हैं, फुफ्फुस धमनी होती है, उनमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। अ नर्व विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग इज, एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है, तो देखिए ऑप्शन आपका सी राइट होगा, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ऑल्व नर्व्स, यहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑप्शन सी राइट होगा, ऑल्फैक्टरी नर्व घ्राण तंत्रिका, ठीक है, सूंघने की जो प्रक्रिया उसमें मदद करने वाली जो नर्व्स है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑप्शन सी राइट होगा। एग्जांपल देख ले इसका, ऑल्फैक्टरी नर्व को CN1 भी कहा जाता है, ऑल्फैक्टरी जो नर्व है उसे CN1 भी कहा जाता है, जो 12 आपकी क्रेनियल, 12 क्रेनियल नर्व में से पहली क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी है, जो सिर अर्थात हेड में स्थित होती है,
यह संवेदी आंकड़ा मस्तिष्क को भेजती है और ये गंध अर्थात स्मेल के संवेदन के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा। पैथोजेंस मींस रोगाणु का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, रोगाणु का मतलब क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काजेज डिसीज, वे सूक्ष्म जीव जो रोग पैदा करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। पैथोजेंस मींस होता है रोगाणु का अर्थ क्या होता है कि वे रोगाणु जो सूक्ष्म जीव को पैदा करते हैं या सूक्ष्म जीवों के माध्यम से रोग को पैदा करते हैं। एग्जाम्पल देख लें इसका, पैथोजन अर्थात रोगजनक, वे सूक्ष्म जीव हैं जो जीवों को रोग पैदा करते हैं, जो जीवों में रोग पैदा करते हैं पैथोजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जीवाणु विषाणु तथा दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव भी आते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज परफॉर्म्ड, जो आपका विडाल जो परीक्षण है वो किस लिए किया जाता है, जल्दी से बताएं क्या कौन से रोग में विडाल परीक्षण किया जाता है, जल्दी से बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, टू आइडेंटिफाई दी टाइफाइड फीवर, जो आपका टाइफाइड बुखार होता है उसमें विडाल टेस्ट, विडाल से पहचान की जाती है कि आखिर कौन सा बुखार है। जब विडाल टेस्ट किया जाता है तो पता चलता है कि आपको टाइफाइड है या नहीं, क्योंकि टाइफाइड फीवर में ही विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड बुखार की पहचान करने के लिए। एग्जाम्पल देख लें, विडाल टेस्ट 1896 में प्रमुख रूप से विकसित हुआ, इसका नाम जॉर्ज फर्नांड विडाल के नाम पर रखा गया था। विडाल टेस्ट से टाइफाइड बुखार की पहचान की जाती है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर किस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। एनाल्जेसिक आर्ग्यूएन, 11 नंबर क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक आर्ग्यूएन दर्द निवारक जो औषधि दी जाती है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए टू रिलीफ पेन, दर्द से राहत देने के लिए, ऑप्शन बी है टू गिव रेस्ट, आराम पहुंचाने के लिए, या ऑप्शन सी है टू रिड्यूस स्लीप, नींद लाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी है टू डिस्ट्रॉय पैथोजिन, रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए। तो देखिए ये तो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा आपका, टू रिलीफ पेन, दर्द से राहत देने के लिए, जो एनाल्जेसिक दवाइयाँ दी जाती हैं वो दर्द से राहत देने के लिए ही दी जाती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा। और एग्जांपल देख लें इसका, पीड़ा अर्थात दर्द नाशक, एनाल्जेसिक औषधियों का उपयोग दर्द को दूर करने में किया जाता है, जैसे कि एस्प्रिन पीड़ा हारी दवा है, जो एस्प्रिन है वो कैसी है, दर्दनाशक औषधि है या दवा है। अधिक दर्द का अनुभव ना हो इसके लिए माइफ्रीन कोडीन हीरोइन आदि नारकोटिक्स औषधियों का उपयोग करते हैं, ये औषधियाँ नींद भी लाती हैं और बेहोशी उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर किस करें क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। पैरासीटामोल मेडिसिन, जो आपकी पैरासीटामोल मेडिसिन है, ड्रग्स है, ये कैसी औषधि है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जो पैरासीटामोल होती है टेबलेट आती है वो कैसी औषधि है, ऑप्शन ए एंटीपायरेटिक, एक ज्वरनाशक, ऑप्शन बी है एंटीटसिव, कासरोधक, या फिर ऑप्शन सी है यहाँ पे एंटी एस्थमेटिक, दमा रोधक औषधि, या फिर एंटी एमेटिक, वमन रोधी अर्थात वात रोधक। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा आपका, एंटी पायरेटिक, जो पैरासीटामोल टेबलेट है मेडिसिन है, वो एक ज्वर नाशी होती है, ज्वर को ख़त्म कर देती है जड़ से, इसे तभी से ज्वर नाशक कहा जाता है, ज्वर को नाश कर देती है, एंटी पायरेटिक कहा जाता है इसे, जो आपकी पैरासीटामोल होती है। एग्जाम्पल देख लें इसका, पैरासीटामोल एंटी पायरेटिक्स या फिर ज्वरनाशक दवा है, ये शारीरिक दर्द तथा बुखार में लाभदायक होती है, परंतु लंबे समय तक इन औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक इन औषधियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शरीर को कमज़ोर करती हैं, ये शरीर को कमज़ोर करती हैं, इस वजह से इन लंबे समय तक इनका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। एसेपल्स मींस अपूर्तिता का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताएं क्या है राइट आंसर इसका। तो देखिए ऑप्शन
ए यहाँ पे राइट होगा, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, संक्रमण से मुक्ति, ऑप्शन ए राइट होगा। यहाँ पे देख लें एग्जांपल, अपूतिता वह अवस्था है जिसमें जीव रोग कारक सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है, या फिर रोग कारक सूक्ष्म जीवों से मुक्त अवस्था को अपूतिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर आपके स्क्रीन पर है, साइनोसिस इज कॉज्ड इन केस ऑफ, नीलिमा किस परिस्थिति में होता है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर बता। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है जो नीलिमा होती है, वो किस परिस्थिति में होती है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो नीलिमा जो परिस्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख लें एग्जाम्पल, नीलिमा अर्थात साइनोसिस में चर्म जो होती है, स्किन होती है, वो नीली पड़ जाती है या फिर पीले रंग का दिखाई पड़ती है, पीले रंग की दिखाई पड़ने लगती है, जबकि साइनोसिस जिसे साइनोसिस कहा जाता है, नीलिमा में चर्म रोग जो अर्थात स्किन होती है वो नीली या फिर पीले रंग की दिखाई पड़ती है। इस परिस्थिति में रक्त में ऑक्सीजन की कमी कारण होता है, जो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, इन परिस्थितियों में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है, टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, विच पोजीशन इज बेनिफिशियल, सामान्य श्वसन पैटर्न को कायम रखने के लिए कौन सी अवस्था फायदेमंद है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर। टू मेंटेन नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न, विच पोजीशन इज बेनिफिशियल, राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। फाउलर पोजीशन यहाँ पे राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, फाउलर पोजीशन, फाउलर अवस्था, ऑप्शन सी राइट होगा। एग्जांपल देख लें, सामान्य श्वसन दर को बनाए रखने के लिए मरीज के लिए फाउलर पोजीशन फायदेमंद होती है, क्योंकि फाउलर अवस्था में मरीज के सीने का जो अधिकतम विस्तार होता है जिससे शरीर को अधिकतम ऑक्सीजन की पूर्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें, इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवेन इन, अंतरास्थ इंजेक्शन दिया जाता है। जल्दी से बताएं, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इंट्राओसियस इंजेक्शन इज गिवेन इन, राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, बोन मैरो जिसे अस्थि मज्जा कहा जाता है, जो आपका इंट्राओसियस इंजेक्शन जो लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, वो बोन मैरो में इंजेक्ट किया जाता है। बोन मैरो में देखा होगा जो आपकी हड्डी होती है, हड्डी के जो अंदर तरल पदार्थ भरा रहता है, ठीक है, तरल पदार्थ भरा होता है, ये इंजेक्शन यहीं पे इंजेक्ट किया जाता है। जो जैसे हड्डी है, हड्डी को अगर बीच से काट दिया जाए तो उसके अंदर जो तरल पदार्थ आपको दिखता है, ये आपको जिसे बोन मैरो कहा जाता है, अर्थात अस्थि मज्जा कहा जाता है, ठोस पदार्थ भरा होता है, कभी आपने अगर देखा हो तो इस तरह का पदार्थ दिखता है, ठीक है, ये एक बोन मैरो की तरह, ठीक है, जब काटा जाएगा तो ये यहीं पर इंजेक्ट किया जाता है, बोन मैरो के अंदर में, इस जो तरल ऊतक है, ये टिश्यू है, यहीं पर इस जगह इंजेक्ट कर दिया जाता है, ये इंजेक्शन इसमें इंजेक्ट किया जाता है, जो आपका इंट्राओसियस इंजेक्शन है। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देख लें, इंट्राओसियस इंजेक्शन को सीधे अस्थि मज्जा में लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 17 नंबर आपके स्क्रीन पर है, राइट आंसर किस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाई इनसफिशियंसी ऑफ हार्मोन, राइट आंसर बताएं, क्या होगा। एडिसन रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, एडिसन्स डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ हार्मोन्स, तो ऑप्शन सी राइट होगा, यहाँ पे कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स, ऑप्शन सी राइट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। तो एग्जांपल देख लें इसका, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स की कमी से एडिसन नामक रोग हो जाता है। इसका वर्णन वामस एडिसन ने किया था, या इसकी खोज भी वामस एडिसन ने की थी। इसमें सोडियम और इसके साथ साथ जल की काफ़ी मात्रा का मूत्र के साथ उत्सर्जित होने के कारण शरीर का निर्जलीकरण अर्थात डिहाइड्रेशन, बॉडी में पानी की कमी का हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है, अर्थात शरीर का निर्जलीकरण हो जाता है और रक्त दाब घट जाता है।